साथियों देखिए पुलिस प्रशासन आया हुआ है। गेट मत खोलो। रविंदर साथी पुलिस में सब देखो हाँ तो यही रखा लो गिरफ्तार। किस किस गुनाह में गिरफ्तार करने आया बताओ आप, ये पूरी जनता देख रही है किस गुनाह में गिरफ्तार करने आया बताओ। ऐसे साहब बताए नहीं किस किस गुनाह में गिरफ्तार करने आए आप, आप लोग आए हो किस गुनाह में, मैंने क्या गुनाह कर दिया मैंने, नहीं मैं क्या गुनाह कर दिया, बेरोजगारों की आवाज उठा रहा हूँ, पेपर लीक की जांच हो वो आवाज उठा वो गुनाह है, नहीं मैं नहीं मिलूंगा, किस गुनाह में आया हूँ बताओ आप, मैंने क्या गुनाह कर दिया, आप सुबह से पेरा लगा रखा है, युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ, एसआई की जांच हो, रीट की जांच हो, मैं एसओजी की मांग कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। ट्विटर भी करो वीडियो तो क्या, ये सुरक्षा है जनता, सुरक्षा है जनता की आवाज उठा रहा हूँ, जनता मेरी ताकत है, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं हम, मेरी कोई मैं आतंकवादी हूँ क्या, नहीं आपकी सुरक्षा कर रहे हैं आतंकवादी भी सुरक्षा करते हैं, नहीं तो किस मैंने युवाओं की आवाज उठाई, ऐसी चीज प्यार करते हैं ना, ये प्यार थोड़ी है, जब पेपर लीक हो रहे हैं बिक रहे हैं तो उसकी जांच भी उनसे, आज युवा जिन छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया वो किसी के बैठे बैठे बुद्धि है, ट्यूटर वाला हुआ गलत बात है, आज पेपर लीक हो रहे, सुनो आपके भी भाई बहन बीवी एग्जाम दे रहे हैं, रीट की दे रहे हैं, एसआई की दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, हमें ये पता चला कि आपको खतरा इसलिए नौकरी से चले गए, अच्छा मुझे खतरा आपका हम बाली बात करने वाले हैं, क्या बात कर रहे हो आप, अब हमारे देश की ताकत है, मुझे तो ये कहा गया कि प्रोग्राम नहीं करने देंगे आज, साथियों नमस्कार। अभी फिलहाल जो आज पेपर लीक ऐसा ही बढ़ती हो चाहे रीट हो, जिसके लिए लगातार मैं आवाज उठा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि जांच होनी चाहिए कि पेपर कहाँ कहाँ गया है, कहाँ का यह पेपर गया है, मेरे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, उन बहनों के आंसू जो है उनको मौका मिलना चाहिए, छह अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया उनको छोड़ा जाए, उनका राजकार्य का मुकदमा ठहर जाए, ये मैं मेरे निवास पे हूँ, सुबह से आप देख सकते हो नजारा, सुबह से पुलिस प्रशासन का पहरा है, क्योंकि आज जो महापड़ाव है आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं रुकेगा, चाहे मुझे गिरफ्तार करे चाहे गोलियां चले मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सच की लड़ाई है, जांच होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभावक है उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम यही मांग करें कि एसओजी से जांच हो कि वो पेपर कहाँ कहाँ पूछा है, जब जयपुर से पेपर गंगापुर पूछा है, सब जगह पेपर पूछा तो कहाँ कहाँ पूछा है, उसकी जाँच होनी चाहिए, जाँच के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और न्याय मिले युवाओं को इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है वो लोकतंत्र में गलत है, आज 9 साल से मैं बेदाग छवि से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में किसी भी आरोप में किसी भी रंजिश में मुझे फंसाया जा सकता है, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि तमाम लोगों से ये कहूँगा, क्या गुनाह है कि उन छह लोगों को गिरफ्तार किया उनको छोड़ा जाए, क्या मेरी मांग ये गलत है, क्या उनके माँ बाप रो रहे हैं, क्या उनको राजकार्य के मुकदमा दर्ज कर दिया गया उनको छोड़ा जाए, उनकी माँ उनको जेल से बाहर निकाला जाए वो गलत मांग है, उन बेटियों के आंसू को उनको न्याय मिले ये मेरी मांग उठाना गलत है, एसओजी से जाँच हो पेपर कहाँ कहाँ तक पहुँचा और
कहाँ कहाँ तक गया, उनको गिरफ्तार करना, उनके स्कूल की मान्यता रद्द करना और उनको बर्खास्त करना, यह क्या मेरी गलत मांग है? आप देख सकते हो पीछे का नजारा क्या है, पुलिस प्रशासन मेरे मकान के बाहर सुबह से डेरा डाली हुई है और कभी भी किसी समय मुझे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई के लिए मैं गिरफ्तारी दूंगा, या मुझे जेल में डाले या मुझे मारे या फांसी पर चढ़ाए, मैं पीछे लेटूंगा, डरता नहीं हूँ, सच के लिए लड़ाई लड़ने वाला ईमानदार आदमी हूँ और कभी भी किसी से घबराऊंगा नहीं। और आपके सामने ये नज़ारा मेरे निवास का है, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी है 1 बजे शहीद स्मारक आप पहुँचे, पुलिस मैं पहुँचूंगा, मैं एक पुलिस का पैरा है लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा, मैं 1 बजे पहुंचूंगा, आप सभी लोग पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, उन तक बात पूछे, वो हमारी आवाज़, मुख्यमंत्री जी आप जांच करवा लो, निष्पक्ष जांच करवा लो, पता लग जाएगा पेपर कहां कहां तक गया। हम चाहते हैं एसआई भर्ती 2021 और रीट जिसमें घपला हो उसके एसओजी की जांच हो और सबको बर्खास्त किया जाए, स्कूलों के मान्यता रद्द हो, 6 लोगों को बाहर किया जाए, उन बेटियों को मौका दिया जाए जो सीकर की 3 बेटियाँ थी। तो तमाम मांगों को लेकर अब मैंने आज आंदोलन का आगाज़ किया था, लेकिन मेरी ताकत मेरी युवा है, सभी से मेरी अपील है कि आज मुझे गिरफ्तार करके आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोगों को जवाब देना, मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक, आप लाइव पूरा आप देखते रहना अभी तक जो कोई भी घटनाक्रम हो। तो आजकल है ना जबरदस्ती करवाओ, टाइम ही नहीं, हम तो आपको आई लव यू कहेंगे। बिल्कुल आई लव यू टू। देखो भाई साहब एक जवाब फारफोड़ो, पेपर आ गया 8 बजे 8:30 बजे, बताओ वो बेरोजगार मेहनत करके कर्जा लेके पढ़ रहा है, गुनाह है उनकी आवाज़ उठाना। मैं कह रहा हूँ एसओजी से जांच करो कहाँ का पेपर पहुँचा है, नेट बंद हो से पहले हो गए। आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, मेरे रात को 11 बजे तक फोन आ रहे थे पुलिस से ही, जबकि मुझे एक दिन पहले मना कर देता मैं कैंसिल कर देता, मुझे रात को 11 बजे कहा तो 11 बजे कैसे कैंसिल करूँगा, यदुवंशी हूँ जान दे दूंगा पीछे लेटूंगा, सच के लिए जान चले जाऊँ, पागल हूँ सच के लिए जान दे दूंगा पीछे लेटूंगा, परेशान की तो यहाँ से ऊपर से कूद जाऊंगा लेकिन पीछे लेटूंगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आज का मेन प्रश्न में देखो पेपर कितने बजे लीक हो गया था, हाँ उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पहले देखो ये स्थिति है। और मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपकी जगह मैं भी रहता तो मैं ये करता। नाम सो आईडी देखो अपने महावीर जी, वैसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी मेहनत की, मुख्यमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, लेकिन कम से कम वो दोषी जेल में जाना चाहिए। पेपर कहाँ कहाँ तक एसआई का पूछा, रीट का पूछा, कहाँ कहाँ गया, उन अपराधियों को पकड़ना जरूरी है, उनको जेल में डालना जरूरी है, इसमें बड़े नेता का हाथ तो नहीं, उसको जेल में डालना जरूरी है। तो कम से कम मान लीजिए 859 की एसआई भर्ती थी, अब वो 1000 लोगों के पास पूछ गए तो भर्ती का क्या मतलब हुआ? नहीं मेरी तरफ नहीं है कैमरा, मेरी तरफ नहीं है, नहीं सच आपको बताओ कि वास्तव में क्या गलत है क्या सही है। सबके परिवारों में नौकरी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं। अंकल जी नमस्ते, बस बढ़िया, बंदो वो अब बताओ वो पेपर लीक हो रहा है, उनकी आवाज़ उठाना गुनाह है? पूछ तो रही कि मैंने कौन सा ऑफेंस किया है, किस क्रिमिनल ऑफेंस में ये कह रहे हैं सुरक्षा करने आए। सुरक्षा की मुझे जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती दोगे क्या? मैंने तो नहीं मांगी सुरक्षा, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, कल केस फाइल करेंगे। लाइव चलता है
अंकल जी चलो अंकल जी कोई दिक्कत नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है ना, सबकी ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, आपकी भी ड्यूटी है, हमें कोई नहीं करता सर, हमारे भी बच्चों को भी नहीं करता सर। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं सैल्यूट करता हूँ महावीर जी, आप जैसे बिल्कुल जस्ट लाइक पाकिस्तानी टाइप लगते हैं, हमारे घर में घुसना इतना एडवांस हो जाता है कि जैसे हम टेररिस्ट हैं। सर आपको सैल्यूट, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। यदि किसी आदमी से मिलने अगर हम आए हैं, यदि किसी आदमी से मिलने आए हैं तो थोड़ा सा पूछ के गए मैडम, भैया को पूछ के गए भैया, आपने ये बोला किराएदार से बोला तो मैंने कुछ किराएदार मैंने कहा ठीक है नहीं है हमसे संबंध बना रहे हो, हम वैसे आपसे बना रहे हैं। अरे मैं जी बिल्कुल बनाएंगे। अरे सुनो महावीर जी, अरे सर मैं भी पढ़ लूँगा इस बात को, नहीं तो ऐसे नहीं हेलो घर पे हूँ, घर पे हूँ, घर पे हूँ, भाई साहब तुम मत खोल, भाई साहब चाय भी भेजूँ, पानी तो भिजवा देते हैं, चाय पानी तो देखो मैं समझता हूँ सब चीज़ें, दो नॉर्मल हो गया, Thank you.
लाइट चालू है ना, हेलो, एक सामने।